नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis.sales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल फ्रांस के बारे में है। देखो, सीधा सीधा क्वेश्चन आने की संभावना कम है, लेकिन थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। बड़ी मूवमेंट चल रही है फ्रांस में, क्या है वो मूवमेंट, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। 17 नवंबर को प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुआ फ्रांस में। वैसे देखो, पिछले एक साल में फ्रांस में डीजल के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और हाल ही में गवर्नमेंट ने, फ्रांस की सरकार ने अनाउंस किया था कि हम डीजल के प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ाएंगे, यानी टैक्स डीजल पे और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो 17 नवंबर को लोग सड़कों पर आ गए, लोगों ने कहा कि ऑलरेडी जब डीजल के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं तो आप डीजल पे ऊपर टैक्स क्यों और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हो, आप अमीर लोगों का साथ दे रहे हो। प्रोटेस्टर्स में देखो मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा थे, और रूरल कम्युनिटी के लोग, सेमी अर्बन लोग, इन लोगों की तादाद ज़्यादा थी, क्योंकि इनके पास ट्रांसपोर्ट का कोई बेहतर साधन उपलब्ध नहीं होता, तो ये लोग अपनी कारों का इस्तेमाल करते हैं। और डीजल के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बर्डन है वो इन्हीं लोगों पर पड़ता है। तो इसलिए 17 नवंबर से स्टार्ट हुआ प्रोटेस्ट का सिलसिला लगातार बढ़ता गया, और पेरिस में एक इंसिडेंस में वायलेंस भी हुआ जिसमें अभी तक 4 लोगों की डेथ हो चुकी है। यानी ये जो प्रोटेस्ट है वो अब एक सिटी तक सीमित नहीं है, पूरे फ्रांस में ये प्रोटेस्ट फैल चुका है। क्या मांग है प्रोटेस्टर्स की? देखो, प्रोटेस्टर्स की मांगे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट की कोई एक लीडरशिप नहीं है। अलग अलग जगह पे प्रोटेस्टर्स अलग अलग जगह अलग अलग मांगे कर रहे हैं। कुछ प्रोटेस्टर्स ये कहते हैं डीजल के दाम कम किए जाएं। फ्रांस सरकार ने हालांकि अब कह दिया है कि हम डीजल के दाम जो बढ़ाने वाले थे वो अब हम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी प्रोटेस्टर्स शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ प्रोटेस्टर्स ये कहते हैं ना सिर्फ डीजल के दाम बल्कि दूसरी चीज़ों के दाम भी आप कम कीजिए, मिडिल क्लास के जो लोग हैं उन पर आप टैक्स बर्डन को कम कीजिए, अमीर लोगों पर आप टैक्स को इंक्रीज कीजिए, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में आप हमें अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए। मतलब साफ है कि प्रोटेस्टर्स की कोई एक मांग नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मांगे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई एक आइडियोलॉजी के लोग शामिल हो, राइट विंग आइडियोलॉजी के या फिर लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी के प्रोटेस्ट में, सभी आइडियोलॉजीज के मिक्स लोग हैं प्रोटेस्ट में। और इस मूवमेंट को येलो वेस्ट मूवमेंट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखो, प्रोटेस्टर्स येलो कलर की इस जैकेट को पहनते हैं, येलो कलर की जैकेट की विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो प्रोटेस्टर्स को लगता है ये जैकेट पहन के वो अपनी कंप्लेंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। फ्रांस में जब बाइक ड्राइव की जाती है तो फ्रांस के कानून के हिसाब से इस प्रकार की सेफ्टी जैकेट पहनना अनिवार्य है, तो इसी वजह से इस मूवमेंट को कहा जा रहा है येलो वेस्ट मूवमेंट। तो ये पूरा आर्टिकल था। देखो, वर्ल्ड में जैसे जैसे इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बढ़ रही है, वैसे वैसे इस प्रकार के जो प्रोटेस्ट हैं वो और भी देशों में होंगे। आजकल इंटरनेट टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, उन सब चीज़ों से इस प्रकार के प्रोटेस्ट होना अब और भी ज़्यादा आसान हो गया है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।